हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर अच्छे से ही है और भाई लोग बड़े से होंगे। सो भाई लोग, मैं फिर से आपके मनोकाम से पाकिस्तान से एक मस्त वीडियो लेकर हाजिर हो गया आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने। अच्छा, आज टॉपिक ये है कि रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान साइड पे अटैक कर दिया। ये कह के भाई पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साइड पे कुछ टेररिस्टिक ग्रुप्स मौजूद है जो भाई ईरान के जो बलूचिस्तान की साइड है उसे तोड़ना चाहते हैं। इस पर भाई हमारे भारत ने खुलकर ईरान का सपोर्ट किया है और भाई ये बोला है कि भाई हम बिल्कुल आपकी बात समझ सकते हैं और भाई हम खुद भी टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। भाई इस पर पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है उस पर क्या कहती है आए देखते हैं और भाई उसके बाद ना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे उसे न्यू लाने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल इस वक्त कायम हो चुका है। पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में, जिसका पाकिस्तान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ईरान पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करेगा। पाकिस्तान ने भी इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन अब हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो कार्रवाई की है वो पाकिस्तान की आर्मी पर नहीं की, पाकिस्तान की अवाम पर नहीं की, बल्कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ईरान हमारा दोस्तों में दोस्त मुल्क रहा है, ठीक है। मुस्लिम ममालिक है, वो भी वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। हमने उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं है। ये हमारा जो अजली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा, देखिए राह भी इन्होंने बनाई हुई है, वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएं ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हुए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फहरिस्त है, इसने आर्मी के स्कूल पे भी अटैक करवाया वो भी सरे फहरिस्त है। यानी कि हमने अकवाम मुत्तहदा में कई दफ़ा केस किया है, सबूतों के साथ पेश किया है, जिसपे आलमी अकवाम ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, OIC ने भी कोई कदम नहीं उठाया। तो भाई क्यों उठाए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? फिर उन्हें भी तुम्हारी तरह जाहिल समझ रखे हो। बालाकोट स्ट्राइक रिटेलिएशन था पुलवामा अटैक का, जहां पर भाई टेररिस्ट ग्रुप्स कैंप बना के रह रहे थे। मुंबई अटैक, अजमल कसाब, ये सब कौन है? पाकिस्तानी टेररिस्ट। और तुम क्या बोलते हो बे, टेररिज्म को पालने वाले बहन के पकड़े लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया पे भी आपको पता, जगह जगह पे चल रही है स्ट्राइक, हमारी चल रही है, उनके साथ भी फाइट हो रही है। लेकिन इंडिया वाले अब खुद गन रखी हुई है, यानी कि आपके शोल्डर पे रखी हुई है, चला रहे हैं, ईरान के शोल्डर पे रख के चला रहे हैं, है तो पीछे इंडिया भी। अच्छा, चल झूठा। नहीं, इंडिया का इसमें क्या अमल दखल है? इंडिया का तो कोई अमल दखल नहीं है। ईरान ने इंडिया के कहने पे तो ऐसा नहीं ना किया। मिली है ईरान ने अपनी बंदरगाह इंडिया को दी है। किस लिए दी है? देखे ना आप, उनको सी पैक हमारा खटक रहा है, आप इस चीज को नहीं समझ रही। वो हमारा कॉरिडोर है, समझ, पूरी दुनिया तक हमारा वो तजारत का एक निज़ाम चलेगा, पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बनेगा। वो ये चाहते हैं, जो गैर मजहब लोग हैं ना, ये गैर कौमे जो हैं वो हमारे दुश्मन इसी तरह से सामने आते हैं। आप देख लें, पीछे माजी में कवैत की और इराक की जंग हुई थी, थे दोनों मुसलमान, वो शिया और सुन्नी का फसाद चला दिया वहाँ पे। बात समझ रहे कि वो हमारे में मजहबी कार्ड खेलते हैं, वो अब दोबारा से लग रहा है, नज़र आ रहा है, नक्शा वही बन रहा है, क्योंकि इसके पीछे मेन जो किरदार है वो इसराइल का है। ये पूरी एक ना हिस्ट्री होती है इन मुल्कों की, ये आपस में मिले होते हैं, इन्होंने हमारे मुल्कों को चलाना होता है। मजाक कर रहा है क्या यहाँ पे? बात तो ऐसा कर रहा है जैसे तुम्हारे कंट्री में सोना भरा पड़ा हो, वैसे सब उसे लूटना चाह रहे हो। रिलीजन वाली, एक पावर वाली रोना धना सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, नहीं तो बाकी सारे मुस्लिम कंट्री चुप है। सही है बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा अलग नस्ल का है, खुजली वाला। बात तो सही है सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक जंग शुरू हो गई है, उस पर आपका क्या मौकफ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इनको कहते हैं कि हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हम इनके साथ बड़ा तावन करते हैं, मगर इनकी जरूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया? अच्छा, पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फौज जो है इतनी कमज़ोर नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दूंगा, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई भी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जो है ना, दुनिया की मानी पाक फौज है, और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने अगर ये दहशतगर्दी का मजारा किया तो इन्होंने गलत किया है। सर, उनका ये बयान है कि हमने आर्मी पर अटैक नहीं किया, हमने पाकिस्तान की साख पर को
अटैक नहीं किया, हमने ये दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई की है, जो ईरान को तोड़ने की कोशिश की है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नहीं, ये तो बस ये मनगढ़ इनकी कहानियां हैं। जैसे अब हमारा पड़ोसी बोला क्या इंडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम कभी भी नहीं इंतशार फैलाएंगे, ये इंतशार फैला रहे हैं। अगर इन्होंने ये कहा है तो ये गलत कहा है, ये हमने कभी भी नहीं हम चाहेंगे कि ऐसे इंतशार फैले या मुल्क में ऐसे हमारे मुल्क की बदनामी हो, या ना तो हम दहशतगर्द हैं ना दहशतगर्दों का साथ देते हैं। इन्होंने गलत किया है, ये पहले इनको सोच समझ के ऐसा कदम उठाना चाहिए। हम इनका ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। सर, हमने जवाब दिया ना, हमने भी जवाबन कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ, हमने भी एयर स्ट्राइक की। देखें, इन्होंने हमारी आवाम पे गोले बरसाए हैं, बमबारी की है, और हमने इनकी छोनी के ऊपर अटैक किया है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको जो मार किया है वो तकरीबन 50 किलोमीटर हमने जो मिसाइल इनकी छोनी पर हमला किया है, हमने बुजदलाना हरकत नहीं की, हमने दलेराना हरकत की है, और हम ऐसी करेंगे। अगर हमें कोई छेड़ेगा, तंग करेगा, हम नहीं देखें ये ईरान है या कौन है या इंडिया है या अमेरिका है, कोई भी मुल्क आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जिंदाबाद। अभी बदद है भाई, अभी बदद है। हाँ, पता है कितने बहादुर है तुम्हारे फौज। 1971-93,000 सोल्जर्स सरेंडर, भूल गए क्या? डरपोक आर्मी। शुक्र मनाओ, ईरान बहुत ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, इसलिए भाई तुम्हारे चाव बढ़े हुए हैं। अगर भाई इंडिया होता ना तो अब तक तुम्हारी जान फाड़ चुका होता। बात तो सही है। जो जंग हमने ईरान के साथ अब छेड़ ली है, क्या पाकिस्तान इस जंग को अफोर्ड कर सकता है? नहीं, इसमें हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। अच्छा। एटमी ताकत कहलाती है, और ईरान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे पाकिस्तान को मैली नज़र से देखेगा। इसमें दुश्मन अनासिर कई तरह के मिले हुए हैं, इसमें और भी मुल्क हैं, ये ज़रूरी हम उस पर इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ईरान ने ये कार्रवाई की है। ये सारी कार्रवाई दुश्मन अनासिर करने वाले जो वहाँ पर दूसरी मुल्कों की एजेंसियाँ हैं, जिनकी वजह से ये हमला किया गया है, जिन्होंने हमारे मुल्क की तरफ गलत नज़र से देखा है, हम उसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं कि कोई भी मुल्क है, कैसा भी मुल्क है, हमारे मुल्क को कोई भी गलत नज़र से देखेगा तो हम उसको जवाब देने की पूरी हिम्मत रखते हैं। हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, हमारी मुल्क की आवाम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, अब ये देखे ना कि इंडिया जो हमारा एक और हमसाया मुल्क है, वो इस सारे मामले में जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया, ईरान की जगह अगर इंडिया होता तो भी ये करता, क्योंकि ईरान ने ये कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ की है, और इंडिया कभी भी दहशतगर्दी का साथ नहीं देगा, दहशतगर्द अनासिर के मुकाबले में जो है हम जो है पूरी पूरी कार्रवाई करेंगे, और ईरान ने ये कार्रवाई बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ की है, पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान की साख पर उन्होंने हमला नहीं किया, दहशतगर्दी के खिलाफ किया गया। नहीं, इसमें देखें, जो हमारे पाकिस्तान पे जितने भी हमले होते हैं उसमें रॉ एजेंट मुलविस मिलते हैं। अच्छा। इसमें जो भी इनके शॉप मिलते हैं वो इंडिया की तरफ से ही मिलते हैं। हम इंडिया को अपना दोस्त नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो हमारे शुरू से ही हमारा दुश्मन रहा है। और इंडिया ने बोला है कि हमारा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है, ये ईरान और पाकिस्तान का मसला है। नहीं, इसमें मेरा तो जो सजेशन है, इसमें 100% मुझे तो जहाँ तक लगता है कि उसमें इंडिया का पूरा हाथ है। अच्छा। हमारे मामला ख़राब करवाने के लिए, हमारे इस्लामी ममालिक से ख़राब करवाने के लिए। अच्छा। इसमें और भी मुल्क आ जाते हैं, एक मुल्क नहीं आता, इसमें इंडिया है, और भी मुल्क हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे रहें। हमने कुछ नहीं किया, आपकी हरकतें ही जहल वाली है। दूसरे की कंट्री पे जाकर चोरी, क्रिमिनल एक्टिविटी, गैंग बनाओगे, और भाई एग्जाम इंडिया पे डालोगे, ड्रग्स सप्लाई करोगे दूसरी कंट्रियों में, और भाई फॉल्ट इंडिया का है। लड़कियों को छेड़ोगे, उनके ऊपर गलत नजर डालोगे, उनका रेप करोगे, और भाई फॉल्ट इंडिया का है। तुम्हारी माँ यार आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। बंदे मातरम, जिन्हें मैं लिखेगा बंदे मातरम।